जिस किसी ने ऐसा काम किया है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, और अगर ये असूल साबित नहीं होगा कि रिट ऑफ द स्टेट क्या है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की रेट क्या है, देन आई विल रिजाइन एज इंटीरियर मिनिस्टर। आज पाकिस्तान में ये बात साबित हो गई कि जो इख्तदार में होता है उसके पास इख्तियार नहीं होता, इख्तियार कहीं और है और इख्तदार कहीं और है। इख्तियार वाली हुकूमत इख्तदार वाली हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज एहतसाब अदालत में साबिक नाहल वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वो आज नहीं हो सकी। मामला जो है वो 9 अक्टूबर को मौखर कर दिया गया है। साथ ही साथ उनके जो वकील हैं उन्होंने ये यकीन दहानी भी कराई है कि उनके बच्चे जो हैं नवाज़ शरीफ साहब के, वो अगली पेशी में अदालत में मौजूद होंगे। अब देखना यह है कि वो आते हैं या नहीं, क्योंकि हसन हुसैन और कैप्टन सफदर के नाकाबिल जमानत, जबकि मरियम सफदर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं एहतसाब अदालत ने। आज इम्कान यही था कि तीन रेफरेंसेस पर फर्द जुर्म जो है वो आयद होगी नवाज शरीफ साहब पर, लेकिन ऐसा आज हो नहीं सका। दूसरी चीज जिस पर आज सारी मीडिया की तवज्जो जो है वो ज्यादा रही, फोकस ज्यादा चला गया, जब एहतसाब अदालत के बाहर वुजरा को रोका गया और खसूसन एहसन इकबाल साहब की तरफ से वहां पर जो बात की गई, उन्होंने कहा कि यह गलत तरीका है, उनके नॉलेज में नहीं है कि वहां रेंजर किसने बुलाए, कैसे आए और क्यों जाने नहीं दिया जा रहा, दाखिले पर पाबंदी क्यों है। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मैं पपेट इंटीरियर मिनिस्टर बनकर नहीं रह सकता, इस्तीफे की भी धमकी दे दी। कुछ अखबारात जो मेरे सामने भी इस वक्त मौजूद हैं, कल के ये 1 अक्टूबर के अखबारात हैं, द न्यूज़ है, रोज़नामा एक्सप्रेस के अंदर और जंग के अंदर, या आप भी देख लें टेलीविज़न स्क्रीन पर कि ये खबरें जो हैं ये कल के अखबारात में शाया हुई थी, जिसमें ये लिखा गया है के सुप्रीम कोर्ट ने जज साहिबान ने एहतसाब अदालत के मिनिस्टर्स की जो एंट्री है उसको बैन कर दिया है। और ये इसकी वजह क्या है कि जो इनकी पिछली पेशी थी 26 सितंबर को, उसमें जो वावेला हुआ था, जो बदमजगी हुई थी, ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो हैं वो अहाता अदालत के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और पिछले बार तो हमने देखा था कि जी सहाफ़ियों को मारा पीटा भी गया था, हमारे अपने 92 न्यूज़ के जो रिपोर्टर थे उनसे उनका मोबाइल फ़ोन वगैरह भी छीन लिया गया था। तो इस किस्म के सिलसिले भी हमारे सामने आते रहे हैं। तो एहतसाब अदालत के जज की तरफ से ये बात की गई थी कि उन्होंने FC की और रेंजर्स की मदद जो है वो तलब कर ली है, लेकिन आज जो कुछ हुआ है एहसन इकबाल साहब के इस बयान के बाद से हम देख रहे हैं कि बाकायदा एक कैंपेन जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हमें नज़र आ रही है, और ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास तो कोई इख्तियार है ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इख्तदार है। परवेज़ रशीद साहब ने यह जुमला इस्तेमाल किया है कि आज इख्तदार किसी और के पास और इख्तियार किसी और के पास है, ये खुल कर सामने आ गया है। बहरहाल एक तरफ तो ये चीज़ है, दूसरी तरफ जो कौमी असम्बली के अंदर एक नाहल शख्स की पार्टी सदारत का मामला है वो भी हमारे सामने, कि किस अंदाज में नून लीग ने, किस अंदाज में हुकूमत ने अपने लिए जो है वो राह हमवार की है, अपनी मर्ज़ी की तरमीम लाकर, और पार्टी आइन के अंदर भी तब्दीली कर दी गई है, और पार्टी आइन में तब्दीली के बाद यानी कि जब इलेक्शन होंगे और नवाज़ शरीफ साहब दोबारा से PMLN के सदर मुंतखब हो जाएंगे, और अपोजिशन लीडर की तब्दीली का मामला भी है एक तरफ। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो शेख साहब, आज जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं, वही लाओ लश्कर, वही खसूसी प्रोटोकॉल, फर्द जुर्म आज आयद नहीं हो सका, आपको क्या लगता है कि जो हुकूमती वकील बड़ी यकीन दहानी करा रहे थे अदालत के अंदर कि साबिक वज़ीर आज़म के बच्चे जो हैं वो अगली पेशी में सामने आएंगे, हाजिर होंगे, आपको लगता है कि वो पेश हो जाएंगे अगली बार? देखिए, उनके डिलेइंग टैक्टिस हैं, वो डिलेइंग टैक्टिस में ज़ाहिर है इतने बड़े महंगे वकील जो हायर किए हैं, क्योंकि कोई आदमी कह रहा था मैं तो इतना लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ कि जब तक सारे मुजरम या सारे मुलज़म जो है वो इकट्ठे ना हों, वरना नवाज शरीफ साहब का केस अलग करना पड़ेगा अगर वो नहीं पेश होते, और ये टाइम गेन कर रहे हैं और टाइम गेन की सियासत है, और इनके ख्याल में कि ये कोई बड़ा मार्टर लॉन्चर तो आज चला दिया, वैसे भी ये चल जाता। वजीर आजम तो बुनियादी तौर पर वही हैं, बाकी जो कहते हैं कि मैं फटीचर किस्म का या कल्लू कट्टा किस्म का वजीर दाखला नहीं हूं, तो वो हैं,
वो आज साबित हो गया कि भाई इनकी कोई रसाई नहीं है, और कल सारे अखबारों में छपा कि वजीर अलाव नहीं है। तो तू अपने प्रोटोकॉल वाले से पूछ कि भाई मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं जाऊं या ना जाऊं। और फिर अगर जो कुछ आज हुआ है, मैं समझता हूं कि उसमें बड़ी जग हिसाई हुई है और इन्होंने अपनी किट खुद लगवाई है, एंड दे आस्क फॉर इट एंड दे आर डिजर्व फॉर दिस। और अगर ये इनको समझ थी कि भाई पिछली पेशी में जो कुछ अदालत में हुआ वो नाकाबले बर्दाश्त है, तो फिर इनको सोच समझ लेना चाहिए। अब लड़ाई तो आज से शुरू हो गई है जी। अच्छा। अदलिया और नवाज शरीफ गवर्नमेंट अदारों और नवाज शरीफ गवर्नमेंट के दरमियान आज पहला दिन है लड़ाई शुरू होने का, और ये कितने दिन चलती है, और 100 सवा 100 दिन, मैं तो आज कह चुका हूँ कि 120 दिन में ये फैसला हो जाएगा। ये हुकूमत इस तरह नहीं चल सकती, पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। पाकिस्तान ज्यादा अजीज है किसी चोर डाकू की हुकूमत से। तो आप कहते हैं कि आज लड़ाई का पहला दिन था, इन्होंने लड़ाई का आगाज कर दिया है। आज एहसन इकबाल साहब जब बड़े जज्बाती अंदाज में फर्क हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक क्या होता है, बनाना रिपब्लिक क्या होता है, उन्होंने कहा कि जी मुल्क बनाना रिपब्लिक नहीं है। सो वाकई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है एहसन इकबाल साहब जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो फिर क्या करप्शन के मुकदमे के अंदर एक मुलविस अदालती फैसले के नतीजे में ये सब कुछ होता है? एक नाहिल शख्स को इस अंदाज में शाहाना प्रोटोकॉल दिया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक के अंदर क्या इस तरीके से अपनी मर्जी अपने मुफाद के लिए कानून बनाए जाते हैं, महज एक शख्स को बचाने के लिए कोशिशें की जाती हैं? एक शख्स को बचाने के लिए कानून बनाया जा रहा है, एक शख्स को बचाने के लिए असेंबली स्टेक पे लगी है, एक चोर को लीडर, अपने आप को चोर को ही कहते हैं, हमारा लीडर है ये, और जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और सारे मामलात को देखकर इनके जो इरादे हैं वो पाकिस्तान की, ये समझते हैं कि हम हैं तो पाकिस्तान है, हम नहीं है तो पाकिस्तान का हमारे से कोई मसला नहीं है। सो ये तो इस मुल्क में इन्होंने सीधी सी लकीर खींच दी है कि भाई हमारे, हम इस कानून को नहीं मानते। जो आइन असम्बली कानून और सुप्रीम कोर्ट को ना मांगे उसका जिंदगी और मौत रहने का, ऐसी जमहूरियत का, ऐसी आईनी और कानूनी सूरत हाल का जो सुप्रीम कोर्ट पर मार्टर लॉन्चर मारे उसकी जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर के कौन सी रिट ऑफ द स्टेट की बात कर रहे हैं आज एहसन इकबाल साहब? कहाँ वो कानून मसावी होने की रिट ऑफ द स्टेट? उन्होंने कहा कि जिस स्टेट के अंदर एक स्टेट का तासुर नहीं जाना चाहिए, जो कि आज उन्हें नजर आ रहा है। आज बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की है, इस्तीफे तक की बात कर दी है। आपको लगता है कि ये इस्तीफा देंगे इस बात के ऊपर? कभी इस्तीफा नहीं देंगे। ये इसी फौज की पैदावार है, इनकी वालदा मोहतरमा भी अल्लाह अगरी के रहमत करे वो भी मजलिस शूरा की रुकन थी। ये सारी टीमें GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। अब इनको ये समझ आ गया कि इनकी बाजपुरस होने लगी, ये कायमों की पैदावार हैं। जिस मुल्क की आधी मिनिस्ट्री कायमों के सिर पे हो, वजीर आजम कायमे के सिर पे हो, उसकी फैमिली कायमे के सिर पे हो, उसके बारे में ये राय रखना कि ये कोई बड़े जन्नान किस्म के लोग होंगे, कोई नहीं, पैदल है ये इनकी सारी सूरत हाल कौम के सामने है। इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा है। इसकी दिमागी तोज़न की अहलियत ये है कि जनाब आप देखें कि इस मुल्क की असम्बली करारदाद पेश करेगी कि वो जिसको चोर और डाकू कहलार दिया है वो उनका लीडर है, वो इनका हीरो है, तो फिर भुगतेंगे जल्दी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से आज रेंजर्स ने कंट्रोल संभाला है, वो मैं कुछ अखबारात की खबरों का भी हवाला दे रही थी कि पहले से ये था, और ज़ाहिर है थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन रेंजर्स को कॉल किया जाता है, अपनी मर्जी से तो रेंजर्स वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन क्या अदालत नैप कोर्ट जो है ये कोई कन्वेंशन सेंटर है कि जहाँ पर जलसा आम की भी इजाज़त दे दी जाए? अदालत के कमरे के अंदर कितने लोगों की इजाज़त होती है? अब अदालत जो है वो समाअत कानून और आईन के मुताबिक करेगा या फिर वजीर दाखिला या किसी और वजीर के मंशा के मुताबिक? बस ये तो कहते हैं ना जी कि जज इनको मलक कयूम जैसा चाहिए, जर्नैल इनको जनरल भट्ट जैसा चाहिए, और ब्यूरोक्रेसी अब मैं क्या कहूं, लोग इस दुनिया में नहीं रहे। इनकी ख्वाहिशों पे तो सारा आइन जो है स्टेक पे इन्होंने लगा दिया है, सारा मुल्क की सियासत स्टेक पे लगा दिया है, और ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे तो कोई जनाब अली,
हम नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हम जाएं हमें कोई नहीं देख सकता, किसी चोर लुटेरे को कोई नहीं पूछ सका। हम चोरी करें, डाका मारें, करप्शन करें, कैमे रखें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमसे कोई नहीं पूछ सकता। इनके बाप ने बनाया ये मुल्क जनाब, ये GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार, ये क्या समझते हैं कि इस मुल्क में इनके अलावा कोई बंदा सोच नहीं रख सकता, कोई बंदा सारी पार्टी में इस काबिल नहीं है कि वो सदर, इनका भाई इस काबिल नहीं है कि वो सदर बन सके। ये सारी बातें कौम देख रही है और इसका नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह। ठीक, अच्छा शेख साहब, वजीर दाखला जो हैं वो अदलिया से भी शिकवे कर रहे हैं, फौज से भी शिकवे कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूर की कौड़ी भी लेकर आ गए हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान और शेख रशीद को अगर जापान भी भेज दिया जाए तो वहां पर भी तरक्की का सफर रुक जाए। मतलब इतने हुकूमत बेबस है एक शेख रशीद के आगे? बस ये तरक्की का अमर तो रुक ही गया ना जी, मैंने जापान क्या जाना, यहीं रुक गया है कि 5-4 सालों में 35 बिलियन इन चोरों ने कर्जा लिया है। 35 बिलियन हमने देना जी, अब बिजली बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, इन चोरों ने 4 सालों में 35 बिलियन कर्जा लिया है और 70 सालों में लोगों ने 40.1 या 2 बिलियन लिया है, इन्होंने 35.3 बिलियन लिया है। और ये चोर डाकू और लुटेरे जिन्होंने इस मुल्क के इस बच्चे बच्चे को कर्जे से मकरूज कराया, मेरे नजदीक तो जमहूरियत भी इतना मसला नहीं है, असेंबली भी नहीं है, नवाज शरीफ की सदारत भी नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, कहां से देंगे ये किसने? रोज 4-4 रुपए बिल बढ़ाएंगे जी, रोज गैस बढ़ाएंगे, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। ठीक, मुल्क इस तरीके से नहीं चल सकता, क्या होना चाहिए इस पर भी बात कर ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, स्टे ट्यून्ड। शेख रशीद अहमद साहब से हम बात करें। शेख साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से जो बयान आज दिया है एहसन इकबाल साहब ने, या जो तनकीद की है फौज को लेकर या रेंजर्स की वहाँ मौजूदगी को लेकर, और फिर उनके खिलाफ जो है वो धमकियाँ आमेज़ बयानात भी उनकी तरफ से सामने आ गए, सोशल मीडिया पर जो हम देख रहे हैं फौज के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चल रही है, आपके वजीर खारजा और वजीर दाखिला कहते हैं कि जनाब उन्हें इस चीज़ का नहीं पता है, एटलीस्ट उनकी पार्टी ये नहीं कर रही है, तो अगर उनकी पार्टी नहीं कर रही है तो क्या हुकूमत का काम नहीं है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार करे या उनके खिलाफ कार्रवाई करे? देखें, देखना तो यह है कि फौज कब तक ये बर्दाश्त करती है। अगर इन्होंने जो सोशल मीडिया है, पहले मरियम साहबा चलाती थी, यहां ये 34-36 आदमी थे, अब इन्होंने कुछ दुबई शिफ्ट किए हैं, जुबैर गवर्नर हाउस में ये सोशल मीडिया चला रहा है और इनका एडवाइजर है, इनका टारगेट है कि पाक फौज को पंजाब पुलिस बना दो, इनका टारगेट है कि नजरिया जरूरत का जज इनको मिला कोई नहीं, मलक कयूम इनको मिला कोई नहीं, और इनका ये टारगेट का हिस्सा है कि दुनिया में पाकिस्तान की 2 इस्लामी हुकूमतें तबाह हुई, पहले उन्होंने फौज को तबाह किया, और कब तक ये कुछ देखा जा सकता है? एक आदमी जो है वो ऐसे बयान देता है, और अल्लाह की शान देखें कि ये इस मुल्क में क्यामत की निशानी है कि ख्वाजा आसिफ जैसे लोग इस मुल्क में फौज को गाली देने वाले वजीर खारजा होंगे, और एहसन इकबाल तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये नारोवाल में ही, इसको नारोवाल का दूदरबा नहीं पता तो उसने क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री कर दी और क्या गालियां देनी। अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह ताला सारी कौम पाक फौज और अदलिया के पीछे खड़ी है, इनकी जो जेनी गंदगी और पराबंदगी और परागंदगी की सोच है फौज को और अदलिया को बदनाम करना, इंशाअल्लाह ये नाकाम होंगे और ये मुंह के बल गिरेंगे। थोड़े हफ्ते इंतजार कर लें, ये 100-125 के दिन की खेल है, इससे ज्यादा ये मुल्क इन हालात में नहीं चल सकता। अच्छा शेख साहब, ये बार बार और एक और बात कह देना, जी 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 फरमाइए। अब ये क्यों खड़े हो गए सारे खुर्शीद शाह के पीछे, नवाज शरीफ ने कहा, क्योंकि सिंध की हुकूमत में इंटरेस्ट है आसफ जरदारी साहब का, सही, सिंध के इलेक्शन कमीशन में इंटरेस्ट है आसफ जरदारी साहब का, पंजाब के इलेक्शन कमीशन में और पंजाब के अबूरी हुकूमत में इंटरेस्ट है नवाज शरीफ साहबों का, इन दोनों का अंडर दी टेबल जॉइंट वेंचर होगा, इमरान खान के लिए मुमकिन नहीं होगा और शेख रशीद इमरान खान के साथ खड़ा होगा, ये मुमकिन ही नहीं होगा कि इनके इलेक्शन कमीशन पे रिजल्ट इलेक्शन में जाए। अच्छा। इनकी अबूरी हुकूमत में इलेक्शन पे जाए और फिर अल्लाह को जो मंजूर हुआ
تو ایک ایسا الیکشن کمیشن اور ایک ایسی عبوری حکومت اور ایک ایسا سیٹ اپ جو انصاف پہ مبنی، سچائی اور حقائق پہ مبنی، دیانتداری پر مبنی اس ملک میں الیکشن کرائے، ان کے الیکشن کمیشن اور ان کی عبوری حکومت پر الیکشن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، خورشید شاہ صاحب تو کہتے ہیں کہ جناب اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے، یہ جو نئی ڈیمانڈ اب آ گئی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن چینج کرنے کی. پہلے کون سی اپوزیشن جوائنٹ وینچر تھی؟ پہلے بھی آپ نواز شریف کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. اپوزیشن آگے کون سی تلواریں چلا رہی تھی؟ ٹی او آر پہ آپ نے اتنی تلواریں چلائی، آپ تو سپریم کورٹ میں نیب کے خلاف، اے این پی کے خلاف، اس کے پاناما کے خلاف پیش نہیں ہوئے جی. آپ تو حضور دانت ہمیں نکال کے دکھا رہے تھے. آپ ہمیں، آپ حدیبیہ پیپر میں پیش نہیں ہوئے. آپ کے جو چوٹی کے لائر ہیں وہ میرے ساتھ میری تیاری میں لگے ہوئے تھے، لیکن اوپنلی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، اتنی جرت نہیں تھی کہ پاناما کیس میں. وہ تو کہتے تھے آپ ہار جائیں گے لیکن ہم، ہمیں گائیڈ کر دیتے ہیں. وہ ہم نے سرجیل وغیرہ اوروں سے بھی رابطہ رکھا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ڈبل کراس چلتے ہیں. سو آپ تو نہیں تھے جی کہیں اپوزیشن، تو پہلی تقسیم تھی. کیا فضل الرحمان کا نام اپوزیشن آپ سمجھتے ہیں؟ کیا شیر پاؤ کا نام اپوزیشن ہے؟ کیا اے این پی کا نام اپوزیشن ہے؟ یہ پہلے کٹے چٹھے ہیں، یہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، ویسے ہی ادھر ایک دو بیٹھے ہوئے ایچ ایکس ای کو آپ اپوزیشن سمجھتے ہیں؟ مذاق مت اڑائیں اس قوم کا، مذاق مت اڑائیں. یہ سسٹم ہچکولے لے رہا ہے اور ہچکیاں لے رہا ہے، اور اسی لیے سارے بےمان اور چور کٹھے ہو رہے ہیں کہ اگر دیانت داری کا کوئی آئین اور قانون آ گیا تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی. ٹھیک، آپ صحیح کہ وہ جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ پہلے کون سا ریئل اپوزیشن کر رہے تھے یا پہلے کون سا اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہوئی تھی، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی دونوں جماعتوں کو لے کر، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو لے کر، کچھ قیاس آرائیاں اس وقت کی گئیں جب نواز شریف صاحب واپس آئے ملک میں، کیونکہ یہ خیال تھا کہ شاید وہ واپس ہی نہیں آئیں گے، اور پھر جب یہاں آتے ہیں تو ملک ریاض صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، شہباز شریف سے بھی، نواز شریف سے بھی، اور لوگوں میں پھر سے ایک تاثر ابھرنے لگتا ہے کہ جی پھر کوئی انڈر دا ٹیبل ڈیل تو نہیں ہو رہی ہے، ایس سی ایف واہیں گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ملک ریاض صاحب تو وہ زرداری صاحب کے بھی کافی قریب ہیں. دیکھیں ملک صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کے قریب ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن نواز شریف نے لڑائی کا فیصلہ کیا اور وہ آصف زرداری کو اپنی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی نہیں بنا سکے گا. اور یہ یاد رکھے، ساری قوم سن لے، ساری قوم سن لے، کہ اگر اس وقت پیپلز پارٹی نے کوئی اندر دی ٹیبل ڈیل کی، اس وقت اگر آصف زرداری نے کوئی چلاک بننے کی کوشش کی، تو پھر جو عمران خان نے جلسے میں کہا تھا کہ اب آصف زرداری کی باری، بچے گا پھر آصف زرداری بھی نہیں. یہ بات میری آن ریکارڈ پہ رکھ لی جائے. ٹھیک ہے، یعنی کوشش ہو بھی رہی ہوگی یا کی گئی ہوگی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کے کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کہتے ہیں لڑائی کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے. مجھے ایک چیز جو آج نواز شریف صاحب کی دوبارہ پارٹی صدارت یقینی ہو گئی، ایک طرف تو الیکشن بل اور دوسرا اب جو ان کی پارٹی کا اپنا اجلاس ہوا اور اس کے پارٹی کے آئین کے اندر ترمیم کی گئی ہے، اس پہ میں بات کروں گی، لیکن سب سے بڑی ہائی لائٹ کیا تھی کہ جناب تین صوبوں کے گورنرز وہاں پہ موجود تھے. محمد زبیر صاحب موجود تھے، سندھ کے آپ کے رجوانہ صاحب پنجاب کے گورنر موجود تھے، کے پی کے گورنر جھگڑا صاحب موجود تھے، جو کہ بالکل ہی غیر آئینی ہے پارٹی امور میں گورنر کی شرکت کرنا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تینوں صوبوں کے گورنرز موجود تھے آج اس اجلاس کے اندر. یہی ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھاڑو پھرنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے. یہ نہیں چاہتے کہ کورٹ میں ڈسکس ہو کہ کتنا عرب کدھر گیا، کس طرح گیا، کس اکاؤنٹ نمبر سے گیا. یہ 1242 ملین کا چیک جو ہے اسحاق ڈار کے، یہ قاضی کے تحت اور دوسروں کے تحت بینکوں سے گئے، پرسوں سے اس کی شہادت شروع ہو جائے گی. یہ اس سے پہلے دھائیں پٹاس چاہتے ہیں. بڑا سینسیبلی میں سمجھتا ہوں فوج نے اپنے آپ کو دور رکھا، لیکن اگر پاکستان آن سٹیک ہو گیا تو فوج کتنی دور رہ سکتی ہے ان مسئلوں سے. سپریم کورٹ نے میرے خیال میں دو دفعہ حدیبیہ پیپر میں کہا کہ جناب ہم نے ان کے ریویو میں کہا، ہم نے جان بوجھ کر ایسا فیصلہ دیا تاکہ آپ کے کیس پہ اثر انداز نہ ہو، ورنہ ہم سخت فیصلہ بھی لکھ سکتے تھے. ورنہ ہم کہہ سکتے تھے یہ فورج ڈاکومنٹ ہیں جی، یہ جعلی دستخط ہیں، یہ سب چور بازاری اور لوٹ کسوٹ ہے. ہم نے آپ کو موقع دیا، ان کے پاس نہ سپریم کورٹ میں کاغذ تھے نہ یہاں کاغذ ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں سیاسی مرتد ہونے کا، شہید ہونے کا نہیں کہتا کہ سیاسی طور پر ہم مرتد ہو جائیں،
उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। गवर्नर भी, उनकी क्या हैसियत है बेचारों की, काउंसलर नहीं मुंतखब हो सकते। देखें ना, अब जुबैर अहमद इतना बां बां कर रहा है, इसकी औकात क्या, क्या पिद्दी का शोरबा। वो एक काउंसलर नहीं मुंतखब हो सकते, ये गवर्नर बने हुए, वहां से ईमेल इनके पास, ये आर्ट है सोशल मीडिया के, ये आर्टिस्ट हैं, और सोशल मीडिया के ये आर्टिस्ट जो है वो अपनी सलाहितों को बेच रहे हैं और इस कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, और कोई वजह नहीं है और कोई तरीका नहीं है। ठीक। अच्छा शेख साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं अदालतों के हवाले से भी ये जो बात करते हैं, और एक तो अब वो जो नया एक कॉन्सेप्ट इनकी नज़र में, अवामी अदालत के फैसले, अवामी अदालत के फैसले, बस उन्हीं को कबूल करेंगे, तो इनका आखिर नैरेटिव है क्या, इस वक्त चाह क्या रहे हैं? क्या वो जजेस जो हैं वो माफ़ी मांगें, इस्तीफ़ा दे दें, फैसला वापस ले लें, क्या करें? मतलब अदालतें बंद कर दें, फिर आप तमाम मुजरिमों को कहें कि जनाब अवामी अदालत में जाना शुरू हो जाएँ बस? देखें, ये 5-6 चोर हैं, बेईमान हैं, आबद शेर अली, ख्वाजा साद रफीक टाइप के लोग, ये पैरागॉन के हराम की कमाइयाँ और सारे पुलिस के प्लाट्स और ये सारे, इनको पता है कि ये सिस्टम, ये टाइटैनिक इनकी पैदागिरी का डूबने जा रहा है। सो वो अपनी आखिरी कोशिश करेंगे, कि नवाज शरीफ को चढ़ जा पुत्र सूली, राम भला करेगा। ये नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान को सूली चढ़ाने की बात है। अगर इनकी पार्टी में एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जो करप्शन के से ज़्यादा इस सिस्टम में उठकर कह सके कि जनाब यहाँ पार्टी में और भी लोग हैं, वो भी बन सकते हैं, तो लानत है इन सारी पार्टी की सोच पे और ऐसी जमहूरियत पे 1000 मरतबा लानत है जो चोरों और डाकुओं के पीछे असम्बली को खड़ा कर देती है और जो चोरों और डाकुओं के पीछे आइन और कानून बनाती है। फिर असम्बली का क्या बनना है और क्या होना है, मैंने आपको अभी शुरू में कह दिया, आज से लड़ाई शुरू हो गई है, 120 दिन तक आप काउंटडाउन कर लें, 120 दिन तक। राइट, एक और ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन हमारी जारी है, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में, एक बार फिर से खुश आमदीद। शेख साहब, इसहाक डार साहब ने जो उन पर फर्द जुर्माइत की गई उस फैसले को आज तो अदालत में चैलेंज कर दिया है, और दूसरा हुदैबिया केस को आपने खुद कहा था कि मदर ऑफ ऑल क्राइम्स है, ये बहुत बड़ा केस है जिससे बचना मुश्किल होगा। इसहाक डार साहब के हवाले से भी आपने बयान दिया था कि वो इस वक्त हुदैबिया केस को लेकर भी काफ़ी गहरे पानी में है, तो आपको क्या लगता है कि इसहाक डार साहब एक बार फिर से वादा माफ गवाह बन जाएंगे, ये गहरे पानी के मुसाफिर रहेंगे, या फिर अपने मोहसिन को गहरे पानी के सपोर्ट करके खुद कोई लाइफ जैकेट पहन के बाहर आ जाएंगे? देखें, आगे भी उसने जो कुछ किया, अब तो देखें रिश्तेदारी है नवाज शरीफ साहब से उनकी, अब वो रिश्तेदार हो गए, ये इतनी बड़ी रकम जो है और इतने बड़े विटनेसेस हसम नहीं हो सकती। और इसमें दिलचस्प बात ये है कि अगर ये कहते हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए तो ये अंदर जाते हैं, अगर ये कहते हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो वो अंदर जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे लकूने जरूर आएंगे कि इनको छूट मिले, इनमें ऐसे कुशन रखे जाएंगे ताकि ये अपने आप को टेक्निकली, नवाज शरीफ के ऊपर 21 केस हैं, 2 केस चले हैं सिर्फ, 13 साजिश केस और हेलीकॉप्टर केस, 19 केस उन्होंने टेक्निकली दबा के रखे हुए हैं, टेक्निकली खेलते हैं ये, हायर जजेस, हायर वकील, और ये तो इनकी सियासी मां मर गई है कि जब इन्होंने देखा कि यार इनके लिए तो ना ये जज को खरीद सके, जज तो जज की बात है जी, एक जर्नैल ने कोयटा में कहा मेरी जूती की नोक भी नहीं खरीद सकते, और एक जज के बारे में इन्होंने फैलाने की कोशिश की लेकिन उसने इनके मुंह पे तमाचा मारा और 05 का फैसला आया जी। 05 का फैसला दुनिया में किसी एक आदमी ने नहीं कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, सब सुपर्स जो दुनिया है उनको पता है कि इनके पैसे कहां कहां हैं, इन्होंने माल कहां कहां छुपाया हुआ है। सो ये वो लोग हैं एक्सपोज हो गए अपने एक्सपोज को बचाने के लिए, जाहिर है वो जाएंगे कि फर्दे जुर्म बिफोर टाइम लग गई जी, ठीक तरह करके लगाओ, जल्दी कर दी। ऐसी गलतियां अदालत के अंदर से भी बाज लोग कर सकते हैं ताकि ये फिर टेक्निकली नॉकआउट कर सके, लेकिन मेरा ईमान है कि अब खुदा की पकड़ में आ गए और इन्हीं 3-4 महीनों में इनका तियां पाचा और डैन, इनको आखिरी कील भी ठुक जाना है इनके ताबूत में,
انہیں انشاءاللہ 120-100 دنوں میں. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ فرق نہیں پڑے گا جو مرضی تعویلیں کر لیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر غیر جانبدار الیکشن کمیشن یا نگران سیٹ اپ نہیں آتا تو پھر اس ملک میں ایک تحریک چلے گی, اور وہی تحریک فیصلہ کرے گی کہ اس ملک میں کس نظام کے تحت الیکشنز ہوں گے. تو وہ کیا تحریک ہے, یا وہ کون سا نظام ہوگا, وہ کون لے کر آئے گا؟ عمران خان نکلے گا جی, شیخ رشید نکلے گا, قوم نکلے گی. ہم گھیراؤ کریں گے, ہم حق پہ ہیں. ہم چوروں کی حکومتیں عبوری اور ان کے ایجنٹوں کی حکومتیں اور چور الیکشن کمیشن اور چور نیب کا چیئرمین یہ برداشت نہیں کریں گے. ہم اس کے خلاف لڑائی کریں گے, بے شک لڑتے لڑتے ہم جیتیں یا ہاریں, قوم کو ہم منزل کی روشناسیائی ضرور دیں گے. ہم جعلی عبوری حکومت کے اندر اور جعلی نیب کے چیئرمین کے اندر اور جعلی الیکشن کمیشن کے اندر الیکشن نہیں لڑیں گے. اچھا, سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہیں آپ, کہتے ہیں آپ نکلیں گے, عمران خان صاحب نکلیں گے, لیکن یہ الیکشنز جو ہیں وہ کسی جعلی نگران سیٹ اپ یا جعلی الیکشن کمیشن کے انڈر نہیں ہوں گے. یہ جو معاملہ جس پہ ہم پہلے بات کر رہے تھے, ایک نااہل شخص کے لیے پارٹی کی صدارت کا معاملہ, آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے عدالت کے اندر. سو آپ کو لگتا ہے کہ عدالت اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے یا منسوخ کر دے گی؟ آپ کو کتنی امید ہے؟ دیکھیں, ہے تو آئینی غیر قانونی اور غیر اخلاقی قانون ہے یہ, کیونکہ میں 3 کیسز میں جا چکا ہوں, 2 میں نے جیت لی ہیں, تیسرا میرا لگنے والا ہے جی. اور میں اب سوچ رہا ہوں آج عمران خان کی پارٹی فیصلہ کر لے, اگر میں نے ہی جانا ہے تو میں جاؤں گا, کیونکہ حدیبیہ میں بھی انہوں نے کہا تھا وہ میرے ساتھ آئیں گے, وہ نہیں آئے. اب ایل این جی میں وہ میرے ساتھ ہوں گے, لیکن اگر اس کیس کا فیصلہ ابھی عمران خان صاحب کر دیتے ہیں کہ انہوں نے جانا تو جائیں گے جی, کیوں نہیں جائیں گے سپریم کورٹ میں؟ ٹھیک ہے شیخ صاحب, ملک میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی افواہیں بڑی گردش کر رہی ہیں, یہ صرف اور صرف رومرز ہی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں یا لے کے کوئی جانا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں, ریومر کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے, ریومر ویسے نہیں بن جاتی. دیکھیں نا, یہ لوگ اتنے دنوں سے کہہ رہے تھے یہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں, یہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں, ہم کہہ رہے تھے نہیں یار اتنے بے وقوف تو نہیں ہوں گے کہ آپ بیل مجھے مار. سو ریومرز تھیں, وہ حقیقت بن رہی ہیں. اور اگر حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے کہ ان کو پیاز بھی کھلائے جائیں اور چھتر بھی مارے جائیں اور لتر بھی مارے جائیں اور ان کو اپنی اوقات میں لا کے بتایا جائے کہ تم چور ہو, تم یہ پروٹوکول کے اہل نہیں ہو, تم اس طرح سپریم کورٹ پر حملے نہیں کر سکتے, تو پھر مسئلہ تو جو لوگ یہ افواہیں بنا رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کے پاس اطلاع تو ہوگی. اسلام آباد میں یہ بات گردش تو کر رہی ہے, کتنی سچ ہے یا کتنی غلط ہے اتنا اس کا مجھے نہیں. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے, ہونا چاہیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہونی چاہیے جس کی افواہیں گردش کر رہی؟ دیکھیں, اگر ملک اس بحران میں پھنس جائے جس بحران میں نواز شریف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, تو اس کا کوئی حل تو نکلنا چاہیے. اس حل کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ 4 آدمی اپوائنٹمنٹ ہیں ٹھیک کر دے. میں نے جو سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کھوسا صاحب سے کہ آپ جناب نیب کا چیئرمین اپوائنٹ کر دیں جی, آپ الیکشن کمیشن اور عبوری حکومت اپوائنٹ کر دیں, اس مسئلے کے حل ہو جائیں گے, پیمرا کا چیئرمین کر دیں. کیونکہ اگر اپوزیشن اور یا اپوزیشن لیڈر ہی کہہ لیں, اپوزیشن کیا اور حکومت ایک ساتھ نہیں ملتی, جو کہ یقیناً مل جائیں گے, اب دونوں کے مفاد ہیں, تو پھر اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے کہ الیکشن کیسے ہوں گے. کوئی قانون نہیں ہے, میں چیلنج کر رہا ہوں, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے. شیخ صاحب, آپ جب سپریم کورٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ وہ یہ تمام تقرریاں کر دے, دیانتدار سیٹ اپ آ جائے یا الیکشن کمیشن یا نیب کے چیئرمین کی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جیسے سیاست دان بھی پارلیمان کے کردار سے بالکل ہی جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا پارلیمان بھی کوئی ایسے اچھے فیصلے کر سکتی ہے. مطلب آئین کی اگر ہم بات کریں تو آئین تو حکومت اور اپوزیشن لیڈر کو یہ اختیار دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس آپ کی ڈیمانڈ کے پیچھے کہ جی سپریم کورٹ یہ تعین آتیاں کریں, کسی اور سیاسی جماعت کی بھی سپورٹ آپ کو مل پائے گی؟ دیکھیں, چاہتے تو سارے یہی ہیں جنہوں نے جعلی الیکشن سے جیتنا ہے. عمران خان تو یہی چاہتا ہے جو میں نے کہا ہے. میں عمران خان کی حد تک اور طاہر القادری صاحب سے میرے تعلق ہیں, میں ان کی حد تک تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہو, اور اگر فیئر الیکشن نہیں ہونے تو ایسے الیکشن لڑنے کا کیا فائدہ جس میں کہ انہوں نے پھر جھرلو چلانا ہے اور پھر قوم کو بحران سے گزرنا ہے. اور اگر ایک دفعہ
ایک دفعہ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس کی ضمانت عدلیہ دے دیتی ہے اور انڈیپینڈنٹ اور قابل اعتبار اور معیار والی اور امیج والی اس ملک میں نگران حکومت آ جاتی ہے، پھر تو کسی کیئر ٹیکر کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ شاید پھر کیئر ٹیکر کی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں جب ہم نکلیں گے سڑکوں پہ تو اس دفعہ تو اس طرح نہیں نکلیں گے کہ آ کے دھرنوں میں بیٹھ جائیں گے، پھر ہم سارے ملک میں نکلیں گے اور سارے ملک میں ہم ثابت کریں گے کہ چوروں کے ساتھ ہماری اعلان جنگ ہے۔ اس میں ظاہر ہے جمہوری پروسیس کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب آپ یہ جانتے ہیں جمہوری پروسیس کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، سو لیکن آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہوگا نہیں؟ کوئی آپشن رائٹ۔ ایک بریک لے رہے ہیں، ہم بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن ہماری جاری ہے، اسٹے ٹیونڈ۔ جی ویلکم بیک پروگرام میں، ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں۔ شیخ صاحب، اگر ہم فورن منسٹر خواجہ آصف صاحب کی بات کریں تو ان کے جو حالیہ کچھ بیانات ہیں وہ دیکھ کر سن کر لگتا ہے کہ انہوں نے شاید تہیا کر لیا ہے کہ جہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں میں بولوں گا، اور جو بیانات نہیں دینے وہی بیانات میں دوں گا۔ یہ جو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ نواز شریف کو بھارت سے دوستی کی خواہش کی سزا ملی ہے، تو انہیں یہ سزا کس نے دلوائی ہے؟ کیا کریں جی، کس جگہ جائیں؟ بعض کا تو ہم سوچتے ہیں کہ انٹرنیشنل سازش کا یہ سارے لوگ حصہ ہیں، اور یہ سازش کسی ایک نے نہیں چلائی ہوئی، یہ ایجنڈے کے تحت چل رہی ہے، اور یہ اس ملک میں ایک ایسا غدر برپا کریں گے کہ ان کا پاکستان سے بھاگنا مشکل ہو جائے گا۔ اور جو بیانات خواجہ صفدر صاحب کی اولاد خواجہ آصف نے دیے ہیں اس میں تو بندہ اپنے ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ اس ملک میں اولادوں کی کیا سوچ تھی اور والدینوں کی کیا سوچ تھی، اور انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر بیان دیا کہ ہمیں پہلے اندر صفائی کی ضرورت ہے جی، تو پہلے ان چوروں کی صفائی ہونا جو دوسرے غیر ملکی قائموں پر 50,000 درم لے کر تو یہاں کام کرتے رہے، پہلے ان سے نپٹا جائے۔ میرا نہیں خیال جی کہ یہ سسٹم، اب بدبودار سسٹم اس طرح چل سکتا ہے، انف از انف۔ یہ بدبودار لوگ اور بدبودار سسٹم اور چوروں اور ڈاکوؤں کو قائد بنانا یہ نہیں چل سکتا اب زیادہ۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہ بات کی کہ ہمیں جو ہے وہ گھر میں صفائی کی ضرورت ہے، آرمی چیف نے کہا تھا اب دنیا ڈومور کرے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں ڈومور کرنے کی ضرورت ہے، گویا جو آرمی چیف کا بیانیہ تھا وہ بلا واسطہ انہوں نے مسترد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ڈان لیکس ون میں بھی تو یہی موقف تھا، تو پھر وہی نیریٹو آپ اس کو اگر ڈان لیکس ٹو کہہ دیں، یہاں پہ خواجہ آصف صاحب بیان کر رہے ہیں۔ ڈان لیگ ٹو کیا جی، ڈان لیگ ون ہی کہیں، یہ سارا وہی ہے جو ڈان لیگ ہے۔ یہ سارا نواز شریف اور اس کی ساری یہ ٹیم جو ہے یہ ڈان لیگ ہے، اور بچے کا نام اللہ کا، کیونکہ اب یہ جنگ کا آج پہلا ہی دن ہے، اتنی جلدی ہمیں نتائجوں کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے، شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے، ورنہ تو پھر ان کی مرم پٹی کا تو پورا انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ جو ملک کا دشمن ہے وہ سرحد کے اس پار ہو یا ملک کے اندر ہو، سرحد کے پار سے کوئی خطرہ نہیں، ملک کو اس کے اندر سے خطرہ ہے اور ان جیسے تھرڈ گریڈ لیڈرشپ سے خطرہ ہے۔ سو ان کا علاج کرنا ہوگا اور انشاءاللہ کر کے رہیں گے۔ اوکے شیخ صاحب، نواز شریف صاحب کے کرپٹ نہ ہونے کی ایک جو دلیل ہے وہ ان کے داماد کیپٹن صفدر صاحب پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ان کا ایک بیان کہ میں مسجد میں گواہی دینے کو تیار ہوں کہ نواز شریف صاحب کرپٹ نہیں ہیں، دوسرا بیان کہ جی اگر وہ کرپٹ ہوتے تو میرے حالات یہ نہ ہوتے۔ سو یہ نواز شریف کے صادق اور امین ہونے کے لیے کیپٹن صفدر کی دلیل کافی ہے؟ میرا خیال یہی کافی ہے کہ کیپٹن صفدر ان کا داماد ہے، مولوی اکبر کا بیٹا، یہی کافی ہے، کنٹینر چل رہے ہیں ان کے سعودی عرب میں بھی، ہاں جی یہی کافی ہے ان کی دلیل، اور یہی کافی ہے کہ بھائی اب کیا کریں جی، رشتوں کے بچوں کے مسئلے آ جاتے ہیں، بچوں کے مسئلے آ جاتے ہیں، اللہ سے بھی ڈر لگتا ہے۔ یہ سارے چور ہیں، خود یہ نہیں جا رہے، ذلیل ہو کے جائیں گے، رسوا ہو کے جائیں گے، اور ان کی تقدیر میں انہی 3-4 مہینوں میں اتنی رسوائی لکھ جائے گی کہ یہ کہیں گے کہ ہمیں جو لوگ مشورہ دیتے تھے کہ سٹیپ ڈاؤن ہو جاؤ اور اپنی دولت بچاؤ، نہ عزت بچا سکیں گے نہ دولت بچا سکیں گے۔ ٹھیک
शेख साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव था, मुझे क्यों निकाला, चलें उस हद तक तो बात समझ में आती है, उस हद तक तो चलें आप एक्सेप्ट कर भी लें, लेकिन उससे बढ़ के जिन खतरनाक हदूद की तरफ नवाज शरीफ साहब इशारा कर रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से उन्हें अब अपने केस तक, वो कहते हैं जनाब 30 साल कैंसर ठीक नहीं हुआ तो मुल्क किसी हादसे का शिकार हो जाएगा, तमाम वज़रा आज़म के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ उनको याद आ रही हैं, गलत फैसलों से मुल्क टूटा, इस किस्म के बयानात देने लग गए। सो ये धमकी जो है वो किसको दे रहे हैं, कौन से हादसे की बात कर रहे हैं, किसको डराना चाह रहे हैं, और ये हमारे हुक्मरान इस हिसार से क्यों नहीं निकलते हैं कि अगर वो नहीं रहे तो मुल्क नहीं रहेगा खुदा न खास्ता। देखें जी, नवाज शरीफ साहब के ऊपर वाला चैम्बर खाली है, उसको ये पता नहीं होगा कि मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस क्या था। अब यकीन जाने मैं दावे से कह सकता हूँ उसको पता ही नहीं होगा। अच्छा। और जब वो ये बात करता है तो जिनेजो से किसने टक्कर ली जी, जिनेजो को किसने निकाला, किसने ज़ियाउल्लाह को इस मुश्तैल किया या और खुद सारी कैबिनेट बनाई और सब किया, ये जिस छेद में जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। इनकी किस्मत अच्छी है कि दौलत इन्होंने हराम की इतनी कमा ली है कि इनको आगे से एजेंट मिल जाते हैं, इनको आगे से हालात मिल जाते हैं, वाकयात मिल जाते हैं। लेकिन सियासत में मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी बदतमीजी बर्दाश्त की जा सकेगी जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जो अदलिया के खिलाफ कर रहे हैं, जो अदारों के खिलाफ कर रहे हैं और जो अपोजिशन के खिलाफ कर रहे हैं, और उनको किराए के लोग चाहिए, ले लें किराए के लोग, ये सारा सिस्टम झाड़ू फिर जाएगा, झाड़ू फिर जाएगा जिस तरफ ये जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, आप देखते रहें क्या होता है। ओके शेख साहब, अभी हुक्मरान जमात जो है उन्होंने शायद अदालती फैसले से पहले ही फैसला सुना दिया, उन्हें यकीन है कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी नाअहल होने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको पीटीआई के जो सियासत है मुस्तकबिल में वो क्या नजर आ रही है? अव्वल तो मुझे उम्मीद है ये केस ठीक हो जाएगा। अच्छा। और थोड़े दिनों की बात है तो पीटीआई तो फिर इमरान खान की नाम है जी, पीछे तो कोई बंदा नहीं मैं देखता। आपको आपको ये नाहली होती नजर नहीं आ रही? इमरान खान मुझे नहीं आ रही जी, इंशाअल्लाह ताला फैसला आएगा तो आप, मुझे नहीं नजर आ रही इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान से 100 इल्जाम लगाए हैं उस पर सियासत के, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि वो दयानतदार आदमी है, और अगर ना होता तो कम अज कम मैं उसके साथ ना होता। अच्छा, आपने नून लीग के हवाले से भी एक प्रिडिक्शन दी थी, आपने कहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है, नून लीग के में दरारें हैं, उस हवाले से आपने बात की थी। अभी वैसे ऐसे आसार नज़र तो नहीं आ रहे। हाँ, नवाज शरीफ साहब जब तक मुल्क से बाहर थे तो ज़रूर ऐसी बातें होने लगी थी, इनफैक्ट एजाजुल हक साहब ने भी कह दिया था, बताया था, इंकशाफ किया था कि 67 के करीब MNA MPS जो हैं वो कहीं और जाना चाह रहे हैं या किसी और इदारे से रबते में हैं। आप अभी भी अपनी प्रिडिक्शन पर कायम हैं कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा नून लीग के अंदर? देखें, मैंने ये कहा था कि 42 लोग मुशर्रफ के लीग के इस पार्टी में आए हुए हैं, अभी ये फैसला नहीं हुआ कि इस निजाम का या सिस्टम का क्या बनना है, और नवाज शरीफ ने इसीलिए अपने आप को पार्टी की सरबराही ताकि टिकटों के फैसले के लिए ये ऊपर हो, और भाई उनको कबूल नहीं था, कोई और बंदा कबूल नहीं था। सो मैं आपसे 120 दिन की काउंट डाउन करता हूं, आज पहला दिन है, उसके बाद मुझे यकीन है इस हालात में जो भी कट्टी कट्टा निकलना है वो निकल आएगा। 5-10 दिन का मार्जिन छोड़ दीजिएगा, बाज का बड़े दिन आ जाते हैं बीच में, ये निजाम इस तरह अब नहीं चल सकता, निजाम दीन का लोहार का निजाम नहीं चल सकता जी पाकिस्तान में। पाकिस्तान का निजाम इलाही चल सकता है, पाकिस्तान में कोई भी निजाम चल सकता है, ये निजाम दीन लोहार का निजाम नहीं चल सकता। ठीक, शेख रशीद अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आज आपने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब कहते हैं कि आज इन्होंने लड़ाई का आगाज़ किया है, पहला दिन था, 120 दिन के अंदर अंदर उन्हें लगता है कि ये तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी और निज़ाम क्या आना है इसका फैसला भी इन्हीं दिनों के अंदर हो जाएगा। इजाज़त दीजिए आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।